जानते हो विनोद, एक चीज़ मैं शुरू से बोलता हूँ, खुद को ब्रांड बनाओ। तुम बहुत सारे आज हम लड़कों लड़कियों को देखते हैं ना कि किसी ना किसी के लिए वो परेशान है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए हो, अगर बात बना तो ठीक है, नहीं बना तो निकल जाओ वहाँ से, मूव ऑन कर जाओ। रोना मत रो, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, जितना ज़्यादा रोगे उतना ही तुमको तकलीफ होगा। ठीक है, मूव ऑन नाम का एक ऑप्शन होता है विनोद। हाँ हेलो, हाँ नताशा बोलो। 4 महीने बाद फोन कर रही हो, मतलब अचानक से, अभी हम वीडियो बनाने जा रहे थे। अभी मत स्टार्ट करना विनोद। अच्छा सीजीएल 2024 प्रिपरेशन कर रही हो क्या? अच्छा क्या दिक्कत है बोलो, बाहर जाने का सोच रही हो? क्यों भाई, जब तुम्हारे पिताजी कैपेबल नहीं है, तुम बाहर जाओगी, फिर रूम लोगी, ये करोगी वो करोगी, इतना ज़्यादा लफड़। और आज के डेट में सोशल मीडिया, आज के डेट में यूट्यूब है यार, इतने सारे फेमस फेमस टीचर हैं यार। नहीं, तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग वाली ना, इसको बाबू त्याग दो, बहुत आगे जाओगी, ओवर थिंकिंग मत करो। और ज़्यादा थिंकिंग अगर आ भी रहा है तो उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो ना। नौकरी लेने के लिए बिलीफ सिस्टम का होना सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो आप इधर उधर करते रह जाइएगा। बहुत सारा लड़का दिल्ली जा रहा है, पटना जा रहा है, सालों साल प्रिपरेशन कर रहा है और माइंड में बिलीफ ही नहीं है कि हमको हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं बस बाबू ये बोल रहा हूं ना कि बस विश्वास कर लो खुद पे। ठीक है, तुमको बाहर जाना है जाओ, तुमको देश दुनिया में कहीं भी जाना है जाओ, लेकिन खुद पे एक विश्वास होना चाहिए कि मैं सिलेक्शन ले लूंगी। समझ रही हो, आज के डेट में तुम जाकर के ग्राफ उठाओगे, लड़का घर बैठे सिलेक्शन ले रहा है। हाँ, अगर आसपास लाइब्रेरी चली जाओ, घर में पढ़ने लायक माहौल नहीं है, दोस्त बना लो ना यार आसपास के। ठीक है, अब कहोगे दोस्त भी नहीं, मम्मी पापा को समझाओ कि मम्मी पापा हमको पढ़ने दीजिए, इतना का टाइम हमको इतना दीजिए, हमको थोड़ा सा ध्यान लगाने दीजिए, काहे नहीं देंगे। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मेरा बस एक बात है कि तुम जो ओवर थिंकिंग करके इधर उधर जाके समय खराब कर रही हो बाबू, पहले खुद पे विश्वास कर लो कि हमको प्रिपरेशन करना है, और एकदम लगन से एकाग्र होकर प्रिपरेशन करो। ठीक है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। 4 महीने बाद कॉल कियो, ठीक है, थैंक यू सो मच। बस मैं ये बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहो, सेल्फ बिलीफ अपने आप पर करो रखो, ठीक है, और पॉजिटिव वातावरण में रहो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैं हेलो, अरे यार इसका ईगो हर्ट हो जाता है। स्टार्ट करो विनोद, स्टार्ट कर दिया। अरे यार सब यार। सो हेलो गाइस, फाइनली मैं अमृतराज डुमराव टीवी का मालिक आप सभी का स्वागत करता हूँ। जितने भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं, हमारे बारे में नहीं जानते हैं, कुछ मत कीजिए, आप लोग गूगल पे इंस्पेक्टर अमृत गुप्ता कर सकते हैं और डुमराव टीवी का मालिक कर सकते हैं, मैं मिल जाऊंगा आपको। आज ये पूरा वीडियो मेरे भाई ध्यान से देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी लोग SSC CGL 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CHSL 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि भैया CET आएगा, भैया क्या करें हम, अपना समय खराब कर रहे हैं, भाई तुम भी देख लेना इस वीडियो को ध्यान से। ठीक है, आज हम पूरा का पूरा बात करेंगे CGL 2024 गाइडेंस रिलेटेड, कि बिगिनर्स को क्या करना है, रिपीटर्स को क्या करना है। और एक बात और, कि मैं गुस्सा आज नहीं करूंगा, देश दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर ये सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन दिल्ली जाकर के होगा, मैं वीक हूं, अपने आप को एक निगेटिव सोच दे रहे हो, भाई बहुत गलत कर रहे हो मेरे भाई। ठीक है, मेरे पास मैं उतना कैपेबल नहीं था कि जाकर के दिल्ली और पटना और बड़े बड़े शहरों में प्रिपरेशन करूं, घर से ही प्रिपरेशन किए हैं। ईश्वर की कृपा से मुझे दोस्त बनाने आते हैं, मेरे सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ है, समझ रहे हो। जिस जगह से हो, जहां कहीं भी हो, अपने आप को टाइम दो, एकाग्र भावना से स्टडी करो, ठीक है, फोकस कर लो, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, जगह मैटर नहीं करता है, समझ रहे हो। खाली तुम कंसिस्टेंट रह जाओगे ना अपने लाइफ में, बहुत कुछ उखाड़ दोगे, ठीक है, बहुत कुछ तुम ग्रैब कर लोगे मेरे भाई। आओ आते हैं थोड़ा सा, मेरा कलम कहाँ है देखो। सबसे पहली बात कि बिलीफ सिस्टम जिसके अंदर है उसका सिलेक्शन फिक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये लग रहा है कि अगर सिलेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ता है, जरा जाके उनसे पूछना जो बहुत अच्छा अच्छा नंबर ला रहे हैं, ठीक है, जो रैंक लाते हैं, अपने घर में से बैठ के बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया है लोग। ठीक है, दूसरा बात कि कभी भी एक्सक्यूज मत दो कि हम हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से हैं मेरे भाई, कभी भी एक्सक्यूज मत दो। ठीक है, हो गया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ज्यादातर लोग हिंदी मीडियम वाला है, बिहार का कितना इंग्लिश मीडियम जानता है भाई, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम और सिलेक्शन लेकर के जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली जितना भी उधर के लोग हैं। ठीक है, आज भी हिंदी मीडियम वाले ज्यादातर लोग सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, और देखो जो बंदा कंसिस्टेंट रहना सीख गया वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। और दुनिया इतनी भाई इतनी गिरी हुई है, मैं मतलब क्या बताऊं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, ये निगेटिव लोग ना अपना भला होने देंगे ना तुम्हारा भला होने देंगे, समझ रहे हो ना। कभी भी उनसे मिलो जो थोड़ा सा पॉजिटिव, अपने जो बंदा पॉजिटिव हो,
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। दोस्त भी ऐसे लोगों को बनाओ, संगत भी थोड़ा सोच समझ के चुनो। सुनो, और एक बात और, कि जब तुम सीजन 2024 का तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, सोचने में मत बर्बाद करो कि भैया क्या बोलते हैं सीईटी होगा कि भैया सीजीएल होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बर्बाद हो जाएगा टाइम। जो बंदा जीके पढ़ लिया, इंग्लिश रीजनिंग और मैथ पढ़ लिया इन 6 महीनों में, वो कुछ भी आगे चल के एग्जाम होगा ना, उसका सिलेक्शन फिक्स है, अगर जो बढ़िया से फोकस करके पढ़ लिया। आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत अब चिल्लाएंगे नहीं। भाई एक बात बताओ, शेड्यूल बनाओ लाइफ में, ठीक है, बढ़िया हैंडसम बन के आते हैं साला, चिल्लाने लग जाते हैं, माफ करना यार। लाइफ में मेरे भाई शेड्यूल बनाइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक दिन का पता होना चाहिए कि आपका अगला मूव क्या है। आपको ये बात पता होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, अगला मूव क्या है। बिना टारगेट के कैसे पढ़ोगे यार। हम अपने लाइफ में एक बार MTS में फेल हुए, 2 बार CHSL निकाले, 1 बार CGL निकाले, उसके बाद मेरा कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम बढ़िया से प्रिपरेशन करके निकाल ले, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, ठीक है। सुनो, डेली टारगेट हम बनाते थे, डेली रोज हमको पता होना था कि अगला दिन हम जगेंगे तो हमको क्या करना है, हमको पता होता था मेरे भाई, ठीक है। और तुमको ये अगर लग रहा है कि मैं जॉब लेने के बाद इतना ज्ञान दे रहा हूँ, चाहे इतना अंदर मेरे कॉन्फिडेंस आया है, जरा मेरे इंस्टा पे जाइएगा और पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा जॉब से पहले वाले, ठीक है। आते हैं मेरे भाई, जितने भी लोग आप में से नए हैं, मैथ्स को लेकर के कन्फ्यूज्ड है, मैथ्स का तैयारी अगर कर रहे हो मेरे भाई और बिगिनर हो ना, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा डर क्रिएट होगा, मैथ्स फोबिया भी होगा, तुमको लगेगा कि भैया हमसे मैथ नहीं बन पा रहा है, भैया हम मैथ तो टीचर से पढ़ लिए, हम कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन बनाने बैठने बनिए नहीं रहा है, ये सब बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे तुम कमजोर नहीं हो जाओगे मेरे दोस्त, ठीक है, ये चीजें ठीक हो जाएंगी, बस इस पर थोड़ा काम करना होगा और दिमाग से काम करना होगा, ऑब्जर्वेशन से काम करना होगा। सुनो, मानते हैं अगर सीजीएल 2024 का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचर के बारे में अगर सोच रहे हो, जिस टीचर से आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है ना मेरे भाई, जिस टीचर से, चाहे वो गगन सर हो, राकेश सर हो, पवन राव सर हो, रैमो सर हो, कोई भी हो, आदित्य रंजन सर हो, XYZ कोई भी हो, जा करके यूट्यूब पे इतना वीडियो पड़ा हुआ है उनका, भाई मेरे डेमो देखो, और डेमो देख के जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो ना, उनका जा करके जो भी है कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो, कोर्स परचेज कर लो, ठीक है। अब ये भी मत फंस जाना कि एगो तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा है भूतेश सर से, एगो पढ़ रहा है गगन प्रताप सर से, तो भटक मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया वो गगन प्रताप सर से पढ़ रहा है, कुछ नहीं, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। ये चीजें मानना है कि टीचर बस तुमको गाइडेंस, रास्ता दिखाते हैं, और जो बंदा उस रास्ते पे चल गया ना, उसका सिलेक्शन फिक्स है कि हो जाएगा, समझ रहे हो भाई मेरे। जो भी टीचर, जिस टीचर से भी पढ़ना है, अभिनय सर हो गए, जिनका भी नाम मैं मिस कर रहा हूं, भास सैनी सर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी भी टीचर का जा करके वीडियो देखो, डेमो वीडियो देखो, जिसे रिलेट कर पा रहे हो उनका कोर्स ले लो, अगर 24 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है, कोर्स ले लिए, हम पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड रहा ना, तरह तरह के दिमाग में थॉट्स आते हैं कि भैया हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, भैया हम कॉमर्स हैं, भैया हम 10वें तक मैथ पढ़े हैं। अरे भाई, सारे लोग 10वें तक बढ़िया से मैथ पढ़े हुए होते हैं भाई, कितना इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंसिएशन हमको याद है भाई, नहीं याद है भाई, ठीक है। तो तुम जिस लेवल पर अभी हो ना, सारे उसी लेवल से शुरुआत करते हैं, ये मत सोचो कि बीटेक वाले का सिलेक्शन होता है, कुछ नहीं अपने लाइफ में किए हैं, मेरा भी सिलेक्शन हो गया भाई, 3-3 बार 4-4 बार हुआ है, ठीक है। अब हम बैठ के अगर हम सोचने लग जाते हैं ना कि भाई बीटेक वाले का सिलेक्शन होता है, तो नहीं होता मेरा सिलेक्शन, सोच बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो कभी भी बैकग्राउंड को लेकर के घबराना मत। अब सुनो, मैथ अगर सीख रहा है ना मेरे भाई, कोई भी मान लो कि कोई टीचर है, वो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट में मान लो कि भैया 15 गो वीडियो है, चाहे 10 गो वीडियो है, उस 10 वीडियो को अच्छे से देखो, उसका नोट्स बना लो, उसका नोट्स बना लो, और उसको इतना बढ़िया से रिवाइज करो ना मेरे भाई, उस कॉन्सेप्ट को एक एक स्टेप तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, कि वो अगर तुमको कोई बोर्ड पर बुलाए उसको बनाने के लिए, उस क्वेश्चन को तुम पूरा वहां पे सीधे एक एक स्टेप तुम सामने वाले को समझा सको। इस तरीके से मैथ सीखना है तुमको मेरे भाई, ठीक है, इस तरीके से आपको मैथ सीखना है, एक एक स्टेप। रट्टा बैठ के बच्चा सब क्या करता है ना मेरे भाई, जो एवरेज होता है वो रट्टा बैठ के मारने लग जाता है, और मैथ रटने वाली चीज नहीं है, मैथ में तुम्हारा अपना दिमाग चलाना ही होगा, तुमको बैठ के, तुमसे अगर क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, तो बैठ के तुमको अपना ही वहां पे माइंड लगाना है, सब भूल भाल जाओगे, ठीक है, तुम्हारा वहां पे केवल खुद का प्रैक्टिस काम आएगा, रटा हुआ ज्यादा देर तक नहीं याद रहता है। सुनो, कभी भी अगर मेरे भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, 3-4 बार उसको रिवाइज कर लिए, अब क्वेश्चन बनाने पर बैठ जाओ, तुम्हारे हाथ में इतना सारा बुक है, पिनाकल है, किरण है, राकेश यादव सर का किताब है, जो भी टीचर है अपना नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, नोट शीट जो होता है PDF, उनमें से कोई भी कुछ भी तुम एगो उठाओ, एगो कॉन्टेंट 10 गो मत उठाओ, एगो उठाओ और उसको बढ़िया से बना जाओ।
हम डेली देखो तुम्हारे पास अभी भी 4 से 6 महीना टाइम है मेरे भाई, ठीक है। डेली तुम अपने लाइफ में 80 से 100 को क्वेश्चन बनाओगे ना, तो शुरू शुरू में लगेगा तुमको कि भैया पूरा मेरा दिन लग जा रहा है, शुरू में ही होता है। तुम अगर बिगिनर हो, तुम अगर एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, पूरा पूरा दिन मेरा भी लग जाता था भाई 100 को क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। शुरुआत के कुछ दिनों तक ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे आप लोग रफ्तार पकड़ लीजिएगा, 100 को क्वेश्चन उठाइए, थोड़ा सा कहीं टाइम लगाइए साइड में और बनाते रहिए, जो बन रहा है ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसको किताब में गोल लगाते जाइए उसको गोला, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि जैसे 100 को क्वेश्चन बना लिए और आपका अगर कुछ क्वेश्चन फंसा है उसको बहुत बढ़िया से उसमें एफर्ट लगाइए कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। अगर जरूरत पड़े कि सर का कॉन्सेप्ट पलटने की, तो ऐसे ऐसे पूरा पलट के एक बार गो थ्रू हो लीजिए उस सारे कॉन्सेप्ट से, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे भाई फिर भी नहीं बना पा रहे हो, तब जाकर के किसी का हेल्प लो और सोचो कि आखिर हम उस क्वेश्चन में क्या मिस कर रहे थे जो सामने वाला बंदा मिस नहीं किया बना दिया। यहां से शुरुआत होती है इंप्रूवमेंट की, इवॉल्वमेंट नहीं, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहां से शुरुआत होती है, समझ रहे हो। एफर्ट लगाना पड़ता है मैथ में, शुरुआत में आपको एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। कितने लोग शुरू में ही हार मान के छोड़ देते हैं। थोड़ा सा भी अगर पढ़ने में ठीक हो, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा मैथ ठीक है, किताब उठाओ कोई भी, जैसे राकेश यादव का क्लास नोट्स, जैसे जो भी है आपके टीचर का नोट्स, किताब उठा करके देख देख के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है। आराम से, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, ठीक है। 80 को 100 क्वेश्चन बनाइएगा, कब एक गो चैप्टर खत्म हुआ, फिर कुछ दिन बाद 2 गो चैप्टर खत्म हो जाएगा, 3 गो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब बोलिएगा ना कि भैया हम रिवाइज तो करते हैं, हम तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ते हैं लेकिन हम भूल भूल जाते हैं। अरे यार तुम एक बात बताओ, मंडे से फ्राइडे अगर हम पढ़ रहे हैं, मंडे से फ्राइडे तुम कुछ भी पढ़ोगे, सैटरडे संडे को बैकअप डे बना लो ना, सैटरडे संडे को जाके उस चीज को रिवीजन करो ना। रिवीजन में टाइम नहीं लगता है, अगर बोल रहे हो कि रिवीजन में भैया टाइम लगता है तो बहाना है। रिवीजन एक ऐसा चीज है कि एक बार शुरू में एफर्ट लगाइएगा आप, दोबारा बस केवल आपको ऐसे पलट के देखना है, सब कुछ दिमाग में रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। रिवीजन एक ऐसा चीज है ना जो काफी लंबे समय तक चीजें याद रहती है मेरे भाई, ठीक है। तो रिवीजन सैटरडे संडे को अपना टाइम बना लो, रिवीजन करो, नहीं समझे। मैं कुल मिला के ये बोल रहा हूँ भाई कि टीचर का कोर्स लो, बढ़िया से उस चैप्टर का, पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखो, बढ़िया से सीख जाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, लास्ट कब का पिनाकल या किरण उठा लो, 2017 से लेकर के 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना सब बना जाओ, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। टीचर कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में एफर्ट लगाना है, धीरे धीरे चल के इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और देखो जो जैसे हम मोटा किताब है राकेश यादव सर का, हम किताब उठा लिए, किरण पब्लिकेशन का किताब है हम उठा लिए, 100 क्वेश्चन हम बना लिए, बीच में हमको जो टफ लगा ना उसको हम गोल घेर दिए, उसी को बार बार रिवीजन करो ना, क्या जरूरत है बार बार जो इजी क्वेश्चन है बन गया उसको दोबारा मत बनाओ, मॉक में अपना प्रैक्टिस कर लेना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी है, केवल SSC CGL CHSL MTS CPO STNO का उठाओ, जिस किताब से पढ़ रहे हो बना जाओ, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर जाओ, जो क्वेश्चन तुमको टफ लग रहा है बाकी अपना मॉक से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक बात तुमको बता रहा है मेरे दोस्त, अगर तुम बिगिनर हो, रिपीटर्स जानते होंगे ये बात, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त मैथ ना आपको हम देंगे क्वेश्चन ना, आपको देंगे चाहे किसी को भी देंगे, सब क्वेश्चन बना देगा, टाइम लगाएंगे ना तो सबका हालत खराब हो जाता है, जो प्रैक्टिस किया है वहीं उसमें आगे बढ़ पाता है। तो मैथ में आप लोग ये मत सोचना कि हम कॉन्सेप्ट पढ़े, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए 500 मॉक में, भैया क्वेश्चन में नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। टाइम के साथ आपको दिमाग को ना फ्रेम करना पड़ेगा, टाइम के साथ आपको कोई अगर दौड़ना सिखा देगा ना मेरे भाई, तो फिर आपको अगर बोल दिया जाए कि दौड़ो, मतलब नहीं समझ रहे हो कि दौड़ो, अगर टाइम लगा देगा कि इतना मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं दौड़ पाइएगा, वो समय के साथ आता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। चलो सुनो मेरी बात आगे, अब देखो किताब और टीचर हो गया भाई, ठीक है, कोई भी किताब उठा लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और सुनो मेरे भाई मैथ में अभी से ही कैलकुलेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसा चीज है ना जो आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा, बहुत आगे लेकर के जाएगा आपको कैलकुलेशन। आप ऑब्जर्व करोगे कि कोई कितना भी मैथ पढ़ा है वो टाइम के साथ पीछे हो जाता है, बोलता है कि भैया 25 को क्वेश्चन था 20 को बनाया, 5 को नहीं बना भैया टाइम घट गया, वहां पे आपको कैलकुलेशन ही काम आता है, क्योंकि घर पे जब आके आंसर की देखते हैं लोग तो यही बोलते कि यार ये तो क्वेश्चन सब आराम से बन गया, इसलिए कैलकुलेशन शुरू कर दो। कैलकुलेशन के लिए हम ऐप दे चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डुमराव टीवी सर्च करो, वहां पे आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, डेली वहां से जोड़ घटाओ गुणा भागा बेसिक तरीके से ही करो, लेकिन करो, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा उससे।
अब सुनिए, मैथ के लिए हो गया भैया, कमेंट में बता देना ठीक है कि मैथ के लिए एकदम समझ गए बढ़िया से। अब सुनो, रीजनिंग के लिए थोड़ा भी अगर भैया मैथ में अच्छे हो, थोड़ा भी अगर पढ़ने लिखने में अच्छे हो, मैथ समझ में आ रहा है, रीजनिंग के लिए यूट्यूब काफी है। हम तो ये देखते हैं ना कि एक लड़का है, रीजनिंगों का कोर्स लिया है, मैथों का कोर्स लिया है, और क्या बोलते हैं इंग्लिश का तो ठीक है, जीके का भी कोर्स लिया, तो कितना कोर्स लोगे? रीजनिंग यूट्यूब से काफी है, रीजनिंग में मॉक दोगे, बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे ऐसे ही बन जाएगा। बाकी जो जो चैप्टर अगर वीक है, आपको लग रहा है कि नंबर सीरीज है मेरा वीक है, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, यूट्यूब पे जाकर के लिखो, यूट्यूब पे जाकर के एक घंटा का एक वीडियो है, जाकर के उसे पूरा सिटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट सीख लो, काफी है मेरे भाई, इतना काफी है मेरे दोस्त, कोई जरूरत नहीं है पेड कोर्स इसमें रीजनिंग के लिए लेने की, ठीक है। वीक चैप्टर यूट्यूब से देख लो अगर बिगिनर हो तो। मैथ्स जिसका अच्छा है उसका रीजनिंग अच्छा होगा ही होगा, ये बात शायद गगन प्रताप सर भी बोले थे, हमको काफी अच्छा लगा था। आप कोर्स लेने में दिमाग मत लगाओ भैया, कोई भी चैप्टर वीक है यूट्यूब पे जाइए, आप यूट्यूब से जाकर के उस चैप्टर को पढ़िए, बाकी मॉक देते 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 उसमें बहुत आगे आप चले जाइएगा, समझ गए मेरी बात ध्यान से, ठीक है आगे बढ़े। अब सुनिए अंग्रेजी, बाप रे बाप, अंग्रेजी में पहली बात ना कि बिहार का मेरा भाई लोग है, उधर का बहुत सारा भाई लोग है जो हिंदी बैकग्राउंड से ना, बेचारा यही सोच के डर जाता है कि भाई हमको अंग्रेजी बुझाइए नहीं रहा है, पहले ही दिमाग में डर बना लेता है ये लोग ना कि हमको अंग्रेजी बुझाइए नहीं रहा है। भाई मेरे नहीं, गलत है ये चीज़, ठीक है। एक बार एफर्ट लगाओगे ना और एक बार अगर समझना शुरू कर दोगे इंग्लिश तो बहुत मजा आने लग जाएगा। बहुत सारे हम ऐसे बच्चे को देखा ना जो कुछ नहीं आता था उनको अंग्रेजी में, आज के डेट में अंग्रेजी में वो राज कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सुनो, पावर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर एक बार पढ़ने से ग्रामर नहीं होता है। अगर कोई भी आप में से ऐसा है जो इंग्लिश ग्रामर की किताब से समझ जाता है, कोई भी टीचर का एक किताब उठाओ, वहां से पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ जाओ और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर जाओ, बस कुछ नहीं करना है ग्रामर में। कोई भी ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा एकदम डाउन है, बिलो एवरेज है, किसी भी टीचर का कोर्स ले लो ना, अमन विशिष्ट सर, नीतू मैम, जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम, इतने सारे सोना सोना जैसे टीचर है ना, काफी अच्छा कर रहे हैं ये लोग, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है उनका जाकर के कोर्स परचेज कर लो और वहां से पढ़ जाओ। कंसिस्टेंसी इसमें मैटर करेगा ही नहीं कि एक के बार में भैया इनका 10 को वीडियो है, भैया डर गए, डरना नहीं है, कंसिस्टेंट रहोगे सब टाइम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर अगर किताब से कंफर्टेबल हो, कोई भी एक किताब उठा लो, नीतू मैम का वॉल्यूम उठा करके उसको 10 बार रगड़ दो, मतलब उसको पढ़ जाओ, ठीक है, वहां से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, तो ग्रामर हो जाएगा। और ग्रामर में भाई मेरे यार देखो, एक बार हम टाइम एंड टेंस पढ़ लिया ना मेरे दोस्त, दोबारा टाइम नहीं लगता उसको रिवाइज करने में। टाइम एंड टेंस एक बार में एफर्ट तो लगा लिया, पूरा एफर्ट लगा लिया, संडे सैटरडे आ रहा है ऐसे प्लट के सुबह सुबह देख लो, हो गया तुम्हारा ग्रामर खत्म, वहां पे जो भी प्रैक्टिस चैप्टर मिला है आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सुनो मेरी बात, वोकैब के लिए डरते हो, एक ही वाली देख लेते हो कि इतना भैया वोकैब हमसे हो ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं है भाई, वो कैब हमसे कहीं से भी कुछ भी उठा के फेस टू फेस वो कैब पूछोगे मैं तुमको बता दूंगा, कहें कि अपने लाइफ में डेली 20-20 को वो कैब हम लिखते थे, ठीक है, डेली 20-20 को वो कैब हम लिखते थे और उसको एग्जांपल के साथ रिलेट करके याद करते थे, याद नहीं करते थे मतलब वो लिखते लिखते दिमाग में चला जाता था। कोई भी अगर वर्ड है मेरे भाई, कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग लिख लो इंग्लिश चाहे हिंदी में और उसको एग्जांपल के साथ रिलेट कर लो, काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है वो कैब में। डेली 20 को हम वर्ड मीनिंग हम क्या करेंगे, सीखेंगे वहां से, तुमसे वो कोई भी वर्ड पूछेगा तो डायरेक्ट दिमाग में एग्जांपल क्लिक करेगा, काफी है, ठीक है। अब सुनो 20 को ये वर्ड, आज के डेट में यार तुम लोग कहीं नहीं चैट जीपीटी का फायदा उठा रहे हो, पहले तो हम डिक्शनरी से सर्च करके लिखते थे, चैट जीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, देश दुनिया में कहीं से भी हो निकालो चैट जीपीटी लिखो, लॉग इन करो वहां पे, कोई भी उसको वर्ड दो और नीचे लिख दो कि हमको इसका इंग्लिश में या हिंदी में मीनिंग दो और इसको एग्जांपल के साथ हमको प्रोवाइड कराओ, उसीधे 20 को अगर वर्ड लिखोगे 20 आ जाएगा एग्जांपल के साथ, एग्जाम्पल का भी वो तुमको हिंदी समझा देगा, उसे कुछ भी बोलोगे बोल दोगे पत्र लिखने के लिए वो पत्र लिख के तुमको दे देगा, काहे नहीं कर रहे वहां से, यूज करो ना ये सब, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। चैट जीपीटी यूज करो, जाओ आज ही आज उसको देखो, यूज करके देखो, उससे कुछ भी पूछो तुमको सब कुछ तुम्हारे सामने रख देगा वो सही तरीके से। वहां से हम 20 वर्ड लिख लिए, वो 20 वर्ड प्रोवाइड किया, कॉपी पे लिख लो और 20 वर्ड को खाली पढ़ जाओ, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। उसके बाद एक महीना अगर कर दोगे यार तो 20 गुणा में 30 इज इक्वल टू 600, 5 महीना कर दोगे 3000, इसके अलावा कुछ नहीं तुम्हारा फंसेगा। कंसिस्टेंसी मैटर करता है इन सब चीजों में, सैटरडे और संडे को रिवाइज करोगे थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, कितना वर्ड है समझ रहे हो, 5 दिन 20 500 वर्ड एक सप्ताह में याद करो। वो कैब हो गया, डेली 20 को ओडब्ल्यूएस याद करने में कितना टाइम लगता है यार, सुबह सुबह जगोगे ओडब्ल्यूएस और एडियम से लेकर बैठोगे, 5 बार पढ़ दोगे दिमाग में घुस जाएगा, वीकेंड पे उसको रिवाइज कर दोगे, जो नहीं याद हो रहा है बार बार उसको घेरा बना दोगे, उसको बार बार उसको देखते रहोगे, हो गया वो कैब खत्म हो गया।
रीडिंग सेक्शन एक क्या करोगे ना भाई, नाजुक हो, तुमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, बैठ जाओगे क्या इधर हिंदू का एडिटोरियल निकाल के लगोगे पढ़ने, थोड़ी देर में नींद आने लगेगा सो जाओगे। अरे ऐसा ऐसा सोना जैसा नोवेल है, आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा नोवेल है, नोवेल को उठाओगे बढ़िया से अगर उसको पढ़ जाओगे, कोई भी नोवेल उठा लो, छुआ सतवा का बुक उठा लो अगर बहुत ज़्यादा वीक हो तो, उसको बढ़िया से उसको डेली उसी को पढ़ने का आदत डालो ना, उसके सेंस को समझो, उसके सेंस को समझो, लाइन बाय लाइन तुमको हिंदी नहीं जरूरत है, इंग्लिश में कुछ भी आज ही से कसम खा लो कि आज ही से मेरे को कुछ पढ़ना है, आज ही से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत आगे जाओगे, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में पढ़ते रहो भाई सब, डेली अगर किताब पढ़ोगे ना तो डेली मोटिवेटेड रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड, बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चिल्ला नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, थोड़ा नॉर्मल है हम एकदम। अब सुनो मेरे भाई, ठीक है, तो डेली आज से कम डेली 30 मिनट कम से कम पढ़िए ना जी, कुछ भी उठा करके पढ़िए, जो आपको समझ में आ रहा है, जो थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है वहीं से आप शुरुआत कीजिए। रीडिंग सेक्शन आज के डेट में देखिए आप कितना जरूरी, आप सीजीएल मेंस में बैठने जा रहे हैं, एक बार फिर से बोलेंगे कि एग्जाम में आज के डेट में जीके जीएस भी मैटर करता है, कंसिस्टेंसी भी मैटर करता है, ऑल्दो वी आर सिलेक्टेड, हमारी वो भूख अगर होती ना आप लोगों की तरह, अगर जॉब नहीं होता हाथ में तो इस एग्जाम को कितना बार भी क्लियर किया जा सकता था, आज के डेट में बहुत कुछ है, मन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन आज भी तुम लोगों के साथ हम खड़े हैं मेरे भाई, पढ़ जाओ, तुम्हारे पास जॉब नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगा दोगे ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंट रह जाओगे, जॉब तुम्हारी मुट्ठी में होगा। अब सुनो मेरे भाई, डेली 30 मिनट हम रीडिंग करेंगे, डेली 30 मिनट हम कैलकुलेशन करेंगे, ग्रामर बार बार उसको पढ़ेंगे, वीकेंड पे हम उसको रिवाइज करेंगे, कोई भी टीचर का जिससे हमारी ट्रेनिंग मैच कर रही है उससे लेंगे, किसी से कोई कंपैरिजन मत करिएगा कि मेरा दोस्त उनका कोर्स लिया है, हम इनका कोर्स लेंगे, तो ज्यादा हमसे तेज लग रहा है, हम डाउट में हो गए, नहीं करना है ये सब काम, थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है, जैसा सोचोगे वैसा ही अपने लाइफ में बनोगे, लिख के तुमको दे रहे हैं हम, ठीक है, यहां पे अगर बैठ के हम इस बंद कमरे में अगर रोते रहेंगे ना तो रोते रह जाएंगे जिंदगी भर, ठीक है, तो कभी ना कभी उठना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, लाइफ में कब तक डाउन फील करोगे, और प्रेशर सोचो कि दिमाग में इतना साला पावर है कि ये तुमको ना पीछे खींच सकता है, तुम्हारा एक साल का मेहनत ये तुम्हारा एक डर छोटा सा बर्बाद कर सकता है, इतना पावरफुल है हमारा दिमाग, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करो ना, ठीक है, तो रीडिंग करो डेली 20 वो कैब अपना करते रहो, 20 गो WS और 20 गो idioms, टाइम नहीं लगेगा, idioms ऐसे ही याद हो जाता है, ग्रामर अपना पढ़ो किताब से या चाहे किसी टीचर का कोर्स लेके, और बाकी कोई भी अगर किताब है पिनाकल का, किरण का, या फिर कोई टीचर का अगर नोटशीट प्रोवाइड है, प्रोवाइड अगर करवा रहे हैं तो उससे भाई पढ़ जाओ, उसको रिविजन कर लो, बाकी अपना मॉक से प्रैक्टिस करते रहो। अब सुनो, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके में भाई कोई भी किताब है ना, जीके में हम थोड़ा भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज के डेट में जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, सब्जेक्टिव जीके, लूसेंट, मनोहर पांडे और क्राउन, ये तीन को किताब है, तीनों में से ना कौनो एक को किताब उठाओ और उसको कहानी की तरफ पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बहुत सारे लड़के को देखे ना खाली वो पढ़ता रहता है और पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में सारा डेटा याद हो जाता है, यही करना है, स्टैटिक जीके को बहुत बढ़िया से आपको याद करना है, डेली कम से कम 50 क्वेश्चन याद करो ना यार, तुम लोग कहोगे कि बहुत ज्यादा, अरे सुबह में उठे 20 गो वर्ड हम 20 गो WS 20 गो idioms याद कर लिए, 20 गो वर्ड हमको लिखते लिखते वो याद हो गया एग्जांपल के साथ, और बाकी इधर से तुम डेली 25 गो अगर कैपेसिटी तो 25 गो से शुरुआत करो, एक ही बार पूरा मत उठा लो, 20 गो, अगर तुमको 10 गो में कंफर्टेबल हो 10 गो स्टैटिक जीके याद करो डेली, धीरे धीरे अपना पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, काफी है इतना, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, और ये डेडिकेशन उसी के अंदर आएगा जिसको एक वजह है जॉब लेने की, जैसे मेरे अंदर था, जब हम घर पे थे तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, बिजनेस में दिमाग लगा रहे थे और फेल हो जा रहे थे, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस में पास भी हुए थे, सीखने को भी मिला था हमको, दोस्त लोग सब सरकारी नौकरी की तरफ था, हमारे अंदर भी डेडिकेशन आया, हमने भी समय के साथ निकाल लिया, अब लगता है कि हाँ इतना तक तो हम स्टेबल हो चुके हैं, अब लाइफ में ईश्वर इससे भी कुछ अच्छा देना चाहते हैं, उसके लिए अब मेहनत करना है मेरे भाई, ठीक है, तो आप लोगों के अंदर हंगर है, आप लोग पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, डेली थोड़ा थोड़ा मेहनत करो और लाइफ में खुश रहना सीखो। सुनो, CA लास्ट वन ईयर का करके चले जाना, जब भी एग्जाम होगा ना मेरे भाई, CA लास्ट वन ईयर का एकदम आराम से कर लो, ठीक है, बाकी जितना भी मॉक वॉक दे रहे हो, मॉक में जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को ना याद करते जाओ, उसको समझते जाओ। आजकल हम देख रहे हैं जीके में भी काफी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमार SSC धन्यवाद देते हैं हम आपका कि बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, कि आप लोग क्या करते हैं कि पढ़ा भी देते हैं और PDF भी प्रोवाइड करवा देते हैं। आभास सैनी सर, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि बच्चों को करंट अफेयर टाइम से प्रोवाइड करवा देते हैं, मैथ में इतना अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में, ऐसे ऐसे सोना जैसे टीचर हैं यार,
समझ गए मेरे भाई, वीक में एक या दो मॉक दिया करो मेरे भाई। आज के डेट में अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसको समझ में नहीं रहा कि भैया क्या करें, हमको आप एक शेड्यूल दे दीजिए, मैं उससे पढ़ूंगा, तो पंडित कितना बढ़िया काम कर रहे हैं यार, नव सोम उसका एडमिन है, बाकी इनकी सारी टीम इतना बढ़िया ये लोग काम कर रहे हैं कि यार इनसे कभी मिलेंगे गले मिलेंगे हम, जा करके आपको ये शेड्यूल प्रोवाइड करवा देते हैं, अगर उसमें आप कंफर्टेबल हो तो जा करके उनका शेड्यूल फॉलो कर लो, सिलेक्शन तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और क्या बोले हम, जीके के लिए भी समझ गए मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, लगन से बैठ के डेली थोड़ा 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 करके बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, कंसिस्टेंसी में इतना पावर है, हमको कोई टेंशन नहीं है कामयाब होने का, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी भी चीज में अगर कंसिस्टेंट हो जाएंगे ना तो आज जो इतने पतले दिख रहे हैं बॉडियों बन जाएगा मेरा, समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट इन लाइफ। आज देश के किसी भी कोने से हो ये बिल्कुल भी बहाना मत देना कि भैया हम इस छोटे से जगह से हैं, भैया माहौल ये, अगर देखो तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोग नहीं है ना, अकेले रह लो, किताब को अपना दोस्त बना लो ना, इससे बढ़िया दोस्त तुमको कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हो, अगर आसपास तुम्हारे वैसा इन्वायरमेंट नहीं है तो खुद से क्रिएट कर दो, समझ रहे हो, खुद से बना दो माहौल, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, कुछ नहीं रखा है ओवर थिंकिंग करने में, एक से एक फालतू थॉट्स दिमाग में आते हैं और आते रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं बनता है, खुश रहो लाइफ में, अल्टीमेट गोल खुश रहना है, मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बच्चा हूँ इन सब मामलों में, और एक बार अगर सॉलिटिट्यूड को मैंने अपना दोस्त बना लिया ना, मैं खुश रहूंगा लाइफ में, और आज भी खुश हूँ, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, काफ़ी लंबे टाइम के बाद आए हैं, पता नहीं यहाँ तक कितने लोग पहुँचे होंगे, वीडियो लंबा हो गया, सॉरी, जाओ पढ़ो, जाओ, कुछ मिस कर दिए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम बना देंगे, ठीक है, चलो। अगर टेस्ट बुक के लिए मॉक के लिए पूछ रहे हो कौन सा मॉक प्लेटफॉर्म बेस्ट है, टेस्ट बुक बेस्ट है, ओली बोर्ड बेस्ट है, दो गो है, हम दो गो यूज किए हुए अपने लाइफ में, बाकी रैमो सर भी अच्छा कर रहे हैं, बायजू आयू, ये दो टॉप लेवल पे है, टेस्ट बुक और ओली बोर्ड, ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू नताशा, विनोद बंद कर दो। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, प्यार दे देना, और रोशन आई एम रियली सॉरी मैं वीडियो में आपका नाम लेना भूल गया, रोशन हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को गाइड करने के लिए गाइज, ठीक है, और रोशन थैंक यू सो मच यार, रोशन प्यार से कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।